वारिसलीगंज विधानसभा से दो बार विधायक रहे प्रदीप महतो जी आज मेला घूमने के लिए आए हैं। वारिसलीगंज में जो है मेला घूमते हुए हमें मिल गए हैं, लगा कि जो है इनसे दो सब जो है बात कर लेते हैं। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं, आप ठीक हैं? जी हम भी ठीक हैं। मेला का दिन है तो सबसे पहले जो है मेला के लिए जो सर आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी और हम यहाँ के नागरिक, यहाँ के देशवासियों को भी अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और माता रानी से घूम घूम करके ही हम आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हमारे इलाका के लोग, हमारे देश के लोग पूरा हरा भरा रहें और हम भी हरा भरा साथ में रहें। सर ये आज मेला का दिन है और आगामी जो है चुनाव है, क्या लगता है आज जो है पूरा वारिसलीगंज जो है पैदल घूमे हैं अपने समर्थकों के साथ, क्या कहेंगे? हम हर साल घूमते हैं, हर साल घूमते हैं। चुनाव से इसका कोई नहीं, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा तो नहीं कि चुनाव आने वाला है तो आप रोड पर उतर गए? नहीं नहीं, हम तो हर साल आते हैं। अब यहाँ मेरा घर बगल में 12 किलोमीटर में मेरा घर है, हम हर जगह जाते हैं, हर जगह वारिसलीगंज ही आए हैं या फिर और भी कहीं? पखरीवाला भी गए थे, पखरीवाला भी। हाँ हाँ, वहाँ भी जो है ऐसे ही घूम घूम कर सारे जो है माता का दर्शन किए हैं। तो जितने भी दर्शक सर देख रहे हैं उनको दशहरा के अवसर पर क्या कहें? दशहरा के अवसर पर कहेंगे कि सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से इस पर्व को मनावें और हर्षोल्लास का ये पर्व है और माता रानी से सीखने का है, बहुत सारा चीज़ समझने का चीज़ है ना, कि और ये पर्व के माध्यम से लोगों को दिखाने का भी है कि हम लोग कितना शांतिपूर्ण ढंग से, कितना अच्छा ढंग से इस पर्व को मना रहे हैं। दो बार सर विधायक रहे और अभी जो है लोगों के मन में चल रहा है कि इस बार प्रदीप महतो जी अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए हम तो दो बार यहाँ विधायक रहे लेकिन चुनाव हम 5 बार यहाँ लड़े, हम चार बार लड़े, हमारे वाइफ यहाँ 1 बार चुनाव लड़ी, आरती सिन्हा जी। तो इस बार एक अलग माहौल बन गया है, इस कारण से कि हमारी चाची आदरणीय अशोक महतो जी की धर्मपत्नी कुमारी अनीता जी को मुंगेर से RJD से टिकट मिला था। हम लोग बहुत मेहनत किए लेकिन चुनाव वहाँ वो हार गए, तो फिर भी हम लोग का इच्छा है कि एक बार सदन में पहुँचें और महतो जी का आवाज़, महतो जी के साथ तो जितना आदमी है सबको उनका आवाज़ है लेकिन उनकी धर्मपत्नी को हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से विधायक के रूप से चुन करके यहाँ से जाएँ। तो इसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि भाई उन्हीं को लाया जाए। लोगों की मांग है कि नहीं आप ही कहिए, लेकिन इस सीट पर एक ग्रुप से तो एक ही आदमी आएंगे ना, तो उनको ही हम लोग सब सम्मति से कह रहे हैं कि आप ही चुनाव वहाँ से लड़िए। लोग सर ये भी कह रहे हैं कि प्रदीप महतो जी शायद अस्थामा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए अस्थामा की बात अलग है, देखिए कि यहाँ क्या वारिसलीगंज में हम लोग की कर्मभूमि है, यहाँ बचपन से ही काम करते आए हैं, लोगों की हक की आवाज़ उठाते आए हैं, तो पार्टी से टिकट मिले या नहीं मिले, निर्दलीय भी हम लोग यहाँ चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव लड़ जाते हैं। लेकिन अस्थामा तो कर्मभूमि बनाना पड़ेगा, तो वहाँ ठीक है, मानते हैं कि हमारे सो जातीय लोग बहुत सारे हैं और हमारे लोग वहाँ हमको चाहते भी हैं, वहाँ के लोग से हम वाकिफ़ हैं, गाँव में गाँव, टोले टोले, हर जगह लोगों से हम वाकिफ़ हैं, एक समाज की विचारधारा से, एक लोगों की विचारधारा से हर जगह मिले हुए हैं। लेकिन बात यह है कि वहाँ पार्टी का टिकट मिलेगा तब तो चुनाव लड़ सकते हैं, निर्दलीय वहाँ चुनाव लड़ने की बात तो है ही नहीं कि निर्दलीय गए और चुनाव लड़ गए, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अभी चल रहा है समाज में कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे नेता रह चुके हैं, बिहार में काबिल तारीफ काम भी किए हैं, और सबको एक दिन ऐसा समय से गुजरना पड़ता है, बुढ़ापा किसको नहीं हावी होता है, तो उनका भी उम्र जो है कि अब वहाँ पहुँच गया है, अल्जाइमर रोग से ग्रसित हैं और यादाश्त उनका खो गया है और कोई बात उनको याद नहीं रह पाता है। तो अब आज ऐसी स्थिति में समाज को, जिस समाज से हम लोग आते हैं, जिस ग्रुप से हम लोग आते हैं, जिस वर्ण व्यवस्था से हम लोग आते हैं, तो उस विचारधारा के लोग नीतीश कुमार जी को लगातार 30 साल से वोट देते आ रहे हैं, तो अब वोट को टर्न करके लाना होगा, कारण कि उनके साथ जो है कि बाहुबली लोग, उनके साथ सातिर दिमाग का लोग लग करके BJP के साथ मिला हुआ है और वोट को अपने तरफ टर्न कराने के लिए लगा हुआ है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो, आगे आने वाला समय में अगर जो तेजस्वी जी की सरकार बनती है तो कौन होगा जो कि कोयरी जाति का आवाज़, कुर्मी जाति का आवाज़, पिछड़ों का आवाज़, अति पिछड़ों का आवाज़, कौन वहाँ जाकर के तेजस्वी जी के साथ साथ रखेगा, कौन उस बात को रखेगा? कारण देखिए लालू जी का शासन रहा 15 साल तक के, उसके पहले जगन्नाथ मिश्रा जी थे, बिंदुसरी दुबे जी थे, उसके पहले श्री बाबू थे, बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए, तो अपना अपना व्यवस्था से सब लोग चले। यहाँ 20 साल से लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो यादव जाति के लोग एक तरह से मानते हैं कि हम टारगेटेड इस समय में रहे, और
बात भी सही है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो 19-20 तो होता ही है। तो चलिए उस विषयांतर की ओर नहीं जाते हैं, लेकिन इतना हम कहेंगे कि लोग इस बार चाह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, तो सत्ता परिवर्तन में प्रदीप महतो ही भागीदार लगा हुआ है कि पूरे बिहार में जहाँ जहाँ झंडा गड़ा सके वहाँ झंडा गड़ें और अपने लोगों को सेफ कर लें, हर जगह अनसेफ नहीं होने दें। कारण कि अगर जो हमारे लोग रोड पर आ जाएंगे वो अच्छा नहीं होगा, सत्ता में सटे हुए रह जाएंगे वो अच्छा रहेगा ना। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में हम बताना चाहते हैं कि एक समय था कि हरनौत से वो चुनाव लड़ते थे तो वहाँ चुनाव हार जाते थे, एक बार नहीं दो बार। और उनका तो भाई लाइफ के बारे में अगर जाएंगे तो समझिए कि बहुत सारा निगेटिव उस समय था, लेकिन समय साथ देते गया वो विधायक भी बन गए, समय के हिसाब से वो MP भी बन गए, समय के हिसाब से मुख्यमंत्री भी बन गए और अच्छे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में भी गिने गए। लेकिन अभी का समय है समय के साथ बदलाव लाने का, और हम तो कहेंगे कि हमारे समर्थक, हमारे विचारधारा के लोग जहाँ जहाँ हैं सब लोग शिफ्ट हुए और उनको हम एक अच्छा व्यवस्था देने के लिए हम तैयार हैं। आदरणीय अशोक महतो जी का अगुवाई में हम लोग आगे भी बात कर चुके हैं और आगे भी बात करेंगे और लोगों को कमज़ोर होने के लिए कहीं नहीं देंगे, सब लोगों को हम जगह देंगे। सर देखा जाए तो बिहार के विकास के लिए कौन जरूरी है, ये नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये एक नया चेहरा है, प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार जी तो सबसे अच्छा काम किए, इसमें कोई तरह की बात नहीं। मैं जनता दल यूनाइटेड में रहा हूँ, जनता दल यूनाइटेड का काम भी किया हूँ अभी तक के, हम कोई पार्टी भी ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन हम इतना कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के हाथ में आज पार्टी नहीं है, पार्टी में बिखराव हो गई है। अभी वारसलीगंज में आ जाइए या हम लोग नवादा जिला के में ही आ जाइए तो BJP जनता दल यूनाइटेड अब नहीं रह गया, अब BJP रह गया है। अब BJP के लोग इस पार्टी को हाईजेक किए हुए हैं और कारण ये हुआ है, पटना में बैठ करके बैठक किए हैं लोग कि भाई अब तो मुख्यमंत्री जी को अल्जाइमर की बीमारी अब हो गई है, भूलने की बीमारी हो गई है, अब कुछ कर नहीं सकते हैं अभी, तो उनको एक पर्दा के पीछे हम लोग रखे हैं और पर्दा के आगे रह करके हम लोग वोट बटोर कर रखें और अगला जो 2025 का चुनाव होगा उस चुनाव में हम लोग फिर से सरकार बनावें। लेकिन उस उनके इस मंशा को सफलीभूत होने के लिए हम लोग नहीं देंगे। हर जगह हम लोग अपने लोगों को लगाए हुए हैं, हर जगह काम हम लोग कर रहे हैं और एक अच्छा सरकार बिहार में बने इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आप बात रह गई तेजस्वी यादव जी के बारे में, वो एक नौजवान नेता हैं। आदरणीय लालू यादव जी के बारे में लोग कहते हैं, बहुत तरह की बातें बोलते हैं, वो एक कमज़ोर तबके का प्रतिनिधित्व किए तो उनके ऊपर कितना तरह के केस किया गया, CBI से उनको पकड़ करके जेल में बंद करके रखा गया, आज तक प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके बेटा के बारे में बहुत तरह की बात बोली जा रही थी तेजस्वी यादव जी के बारे में, लेकिन वो ऐसा बात नहीं है। देखिए काम करने वाला जो इंसान होता है वो काम करता है और जो आदमी बकवास करने वाला बकवास करता है। तो बिहार का जनता देख लिया कि 2 बार उप मुख्यमंत्री भी तेजस्वी यादव रहे और बिहार में अच्छा काम किए, कहीं तरह के कोई गड़बड़ी करने का काम नहीं किए, तब बिहार की जनता को देखने का कहाँ कुछ बाकी रह गया। अगर नौजवान अगर जो यहाँ का मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार का और अधिक ढंग से विकास होगा, कारण कि जो बिहार गड्ढा में था तो नीतीश कुमार जी वहाँ एक समतल करके रखे और तेजस्वी यादव बनेंगे तो और महल्ला दुमहल्ला बनेगा और ऊपर बढ़िया विकास करेगा। सर ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपसे, ये दशहरा के अवसर पर लोगों को सर कोई लोग कहेंगे कि बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब लोग आनंद में रहें और कुछ कुशल से रहें, यही हमारी कामना है। बाकी देख सकते हैं पीछे रंजीत परदेसी जी हैं और काफ़ी जो है इनका गाना जो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, दो सब जो है इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं, क्या कहेंगे। अरे दुर्गा मैया के मंदिर में भीड़ लगल बा भारी, गूंज रहल बा धरती अंबर, भक्तन के जयकारी, सब कहे ला कि प्रदीप भैया कैसन हखिन जी, सब कहे ला प्रदीप भैया कैसन हखिन जी, जैसन रहे के नेता भैया वैसन हखिन जी, जैसन रहे के नेता भैया वैसन हखिन जी। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपसे, बाकी देख सकते हैं पप्पू चौधरी जी हैं, क्या कहेंगे भैया आप। सबसे पहले दुर्गा पूजा को फारसिंह विधानसभा के लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और साथ साथ आपको भी। आज हमारे पूर्व विधायक श्री प्रदीप कुमार बोले, राजनीति पर कुछ चर्चा हुआ उसमें मैं कहेंगे कि विधायक रहे वारसलीगंज में 2 बार रहे
तो हर जगह आप कहीं जाइए, कोई भी ऐसा गांव जहां रोड नहीं बना होगा, बड़ा बड़ा पुल, बढ़िया रोड बना दिए हैं। और इनका नेतृत्व में जो आगामी विधानसभा चुनाव जो होगा, इनका नेतृत्व में जो कहेंगे हम लोग तैयार हैं जी। धन्यवाद। बाकी देख सकते हैं ये संजय यादव जी हैं, और इनसे भी जो है कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद, आज दशहरा के 8वें के शुभ अवसर पर आपने पूर्व विधायक प्रदीप महतो जी का इंटरव्यू लिए। सबसे पहले माँ दुर्गा माता रानी के क्षेत्रवासियों के लिए, कार्यकर्ता के लिए आशीर्वाद देना चाहूँगा। आपको बता देना, बार बार आप पूछ रहे हैं विधायक जी को कि वारसलीगंज में आप लड़िएगा कि अशोक महतो लड़ेंगे। आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के नेता, हम लोग का नेता पहले प्रदीप महतो जी है। हम लोग को दुख सुख में साथ देने वाला पहले प्रदीप महतो जी हैं। यदि इन्होंने ऑफर दे रहे हैं कि हमारा चाची लड़ेंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ठीक है, इनका मन है। यदि इनका चाची लड़ेंगे तो ये बोले कि चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। यदि कहीं कोई दूसरा कोई लड़ता है तो वारसलीगंज विधानसभा प्रदीप महतो जी का स्वीकार करेगा। यहाँ का जनता प्रदीप महतो जी का स्वीकार करेगा, बल्कि तीसर का स्वीकार नहीं करेगा। आपको बता देना चाहते हैं कि लोग अगला विधानसभा में 40,000 वोट वारसलीगंज विधानसभा के जनता इनको दिया। आए वारसलीगंज के विधानसभा के जनता भी मांग कर रहा है इनका कि सर आप ही आइए, मगर इन्होंने अपना त्याग देने के लिए तैयार हैं कि हमारा चाची लड़ेंगे तो हम छोड़ देंगे, मगर चाची नहीं लड़ेंगे। तो आपको बता देते हैं कि आरती सिन्हा जी चुनाव यहाँ से लड़ेगी, इसमें कोई दुमत नहीं है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। देख सकते हैं बाकी जो है हम दुर्गा पूजा के अवसर पर जो है वारसलीगंज में है, और यहाँ जो है पूर्व विधायक प्रदीप महतो जी मेला घूमने के लिए आए थे, यहीं जो है भेंट गए। सामने दिखाइएगा, ये स्टेशन रोड में है और यहाँ जो है माँ दुर्गा का जो है प्रतिमा है, और यहीं जो है हमको भेंट गए, लगा कि जो है दोस्त अफसर से जान लेते हैं। और जैसा कि जो है कुछ राजनीतिक मुद्दा पर जो है वार्तालाप हुई, और सर के बारे में जो है आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर बताएंगे। बाकी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।